मोगवानशान को ये पता नहीं है कि जो पर्सन हितियान के लिए सैंडविच लेने आया था वो उसका बड़ा भाई हीचिंग है। वो हीचिंग के बारे में बहुत ही सीरियसली सोचने लगा कि उसे देख के तो यही लग रहा था कि वो 20-30 सालों के बीच में ही होगा। उसका ऑरा भी एकदम हितियान जैसा ही था। क्या वो उसका डैड हो सकता है? लेकिन अगर कैलकुलेशन किया जाए तो क्या वो टीनेजर होगा तभी बाप बन गया होगा? मतलब कि हितियान अभी 15-18 के बीच में होगा, तो अगर हीचिंग उसका बाप है तो फिर वो टीनेजर होगा तभी वो बाप बन गया होगा। और मो ने जब बेबी हितियान का इमेजिनेशन किया तो तब भी वो एक डेविल बेबी हितियान ही आया। वो अपने घर तक पहुंच गया था और सोच रहा था कि उसकी पूरी फैमिली ही एबनॉर्मल है। लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे हितियान का आया कि मैं घर पे हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। मो ने लिखा कि जाओ मरो, और वो सोच रहा था कि प्लीज अब आगे से वो कभी भी मेरे सामने ना आए। अंदर जाती है उसकी माँ उसे कहती है कि तुम आ गए क्या, तुमने खा लिया? मो कहता है कि हाँ मैंने खा लिया। तभी फिर से उसे एक मैसेज आया तो मो सोचता है कि ये कितना एनोइंग है, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन मो के हार्ट ने बीट करना स्किप कर दिया क्योंकि हितियान ने उसे एक फोटो भेजी थी। फोटो में हितियान का हाथ था और काफी सारा ब्लड था और लिखा था कि आके मेरी मदद करो। ये देखते ही मो का पूरा हाथ कांपने लगा और वो भाग के जाने लगा। उसकी मॉम कहती है कि कहाँ पे जा रहे हो? मो कहता है कि किसी को बचाने जा रहा हूँ। और उसने हितियान को लिख दिया कि अभी मैं मजाक कर रहा था हितियान, मैं एक्चुअली तुमसे इतना भी ज्यादा नहीं पक चुका हूँ। हितियान तो कंफ्यूज था कि क्या एक कन्फेशन था, मतलब कि मो बार बार कहता रहता है ना कि मैं तुमसे पक चुका हूँ, लेकिन उसने कन्फेस कर ही दिया कि मैं तुमसे एनोइंग फील नहीं करता। एक्चुअली वो हितियान का ब्लड नहीं था, वो टोमेटो सॉस था। लेकिन मो जल्दी जल्दी भाग के यहाँ पे पहुँच गया और हितियान के घर का दरवाजा ठोकने लगा कि हे जल्दी से दरवाजा खोलो, हितियान क्या तुम ठीक तो हो? दरवाजा खुलने में बहुत टाइम लग रहा था तो मो को बहुत ही डर लग रहा था कि क्या वो मर गया है। लेकिन हितियान ने दरवाजा खोला और स्माइल करके कहा कि तुम इतना जल्दी में क्यों हो, ऐसे तो तुम पूरा दरवाजा तोड़ डालोगे। और अंदर जाके उसने स्पिल किया हुआ टोमेटो सॉस दिखाया और कहा कि आके मेरी इसे साफ करने में मदद करो। मो गुस्से से उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग पूरा सड़ चुका है, मुझसे झूठ बोल के सफाई करने के लिए यहाँ पे बुलाया? हितियान कहता है मैंने तुमसे झूठ थोड़ी बोला है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मो गुस्से से उसका कॉलर खींचता है और कहता है कि अगर मैंने अभी तुम्हारी धुलाई नहीं की तो फिर मेरा नाम मो नहीं। हितियान कहता है कि हे रुक जाओ, अभी मैं फाइट नहीं कर सकता, अगर मैंने फाइट की तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। मो कहता है नौटंकी मत करो, मैं तुम्हारी किसी भी बकवास का यकीन नहीं करने वाला। हितियान कहता है अगर मैं बेहोश हो गया तो फिर तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। और वो फ्लोर पे जो टोमेटो सॉस पड़ा था उसे अपने हाथ में लेता है और कहता है कि देखो पूरा फ्लोर टोमेटो सॉस से भरा है, ये तो एकदम ही ताजा ताजा खून जैसा लग रहा है। वो उसे मो की फेस पर लगा देता है और मो को पूरे टोमेटो सॉस के ऊपर ही गिरा दिया। मो गुस्से से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? हितियान कहता है अब तुम सर से लेके पांव तक पूरे गंदे हो गए हो तो आज रात तुम घर मत जाना। लेकिन मो ने हितियान के फेस पर एक गुस्सा लगाया और कहा कि क्या तुम पागल हो? हितियान मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सहन कर लिया। लेकिन गुस्सा खाने के बाद हितियान जरा सा भी मूव नहीं कर रहा था तो मो डर गया कि ओह नो, ये साला सच में बेहोश हो गया। उसने अपना जो यूनिफॉर्म शर्ट था उससे हितियान के लिए एक पिलो बना दिया और चुपचाप वो फ्लोर साफ करने लगा। और हितियान अपना हंसना बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। मो बाहर से दिखाता नहीं है लेकिन सच में उसे परवाह है।